अब हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा है ना, हम एक कप बनाते हैं, ठीक है, कप बनाते हैं। कप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, सिलेंडर से बन जाएगा। हाइट दे दी मैंने कितना बड़ा कप चाहिए, बढ़िया। स्मूथ बनाना है तो साइड के सेगमेंट मैंने बढ़ा दिए और थोड़े से मैंने हाइट के सेगमेंट बढ़ा दिए कि मेरे को इतना चाहिए, या फिर मैंने इतना कर दिया 15, बीच में छोड़ के, ठीक है 15 सेगमेंट कर दिए, या फिर 13, मतलब मैं इवन नंबर में ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा। ये मैंने सेगमेंट कर दिए, अब इसका मुझे एक सिंपल सा हैंडल लगा के कप बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर होल चाहिए। होल चाहिए के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया, इसको सिलेक्ट किया फेस को, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया। इंसर्ट करोगे अंदर की तरफ इस तरीके से, आप जितना ले सकते हो उतना लो, फिनिश करो, राइट क्लिक करो, एक्सट्रूड करो। एक्सट्रूड करोगे अंदर की तरफ, ये आप नीचे ले आओ, जब नीचे फेस नहीं दिख रहा फ्रंट में चले जाओ, वायर फ्रेम ऑन कर दो। अब आप देख लो कि कितना नीचे तक चाहिए, ये आपका इतना नीचे तक आ गया, फिनिश कर दो। अब आप प्रस्पेक्टिव में जाओ तो आप देखोगे आपका कप का ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। अब कप का बन गया इतना सा पार्ट, आगे क्या करें, अब थोड़ा सा हम हैंडल लगाना है, पहले हैंडल की बात करते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया, तो बेसिकली मैंने एक ये सिलेक्ट किया और एक मैंने सिलेक्ट किया ये, ठीक है। अब इसके बीच में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 3 इधर और 3 इधर, इसके बीच की सेगमेंट एक होना, मतलब कॉमन होना चाहिए, मतलब ये वाली एज, आप देखो ये वाली एज है ना, तो 3 इधर है, 3 इधर है, तो ये कॉमन है, बढ़िया है। ये क्यों है वो मैं बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ, मान लो मैंने एक ही को सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे हैंडल बना दे, ठीक है। अब हैंडल बना दे तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, हिंज फ्रॉम एज, कि हिंज बनाओ अकॉर्डिंग टू एज। तो आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपसे बोलेगा एंगल कितना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। यहां पे पूछेगा सेगमेंट कितना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट यहां पे आपसे पूछेगा वो कि पिक हिंज कौन सी है, तो आप क्लिक करो, जिस हिंज के अकॉर्डिंग उसे रोटेट करना है आप उस हिंज को सिलेक्ट करो, उस एज को। जैसे आप इस एज को सिलेक्ट करोगे, अब आप एंगल दोगे तो वो इससे बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेट आ रहा है क्यों, सेगमेंट नहीं है। जैसे सेगमेंट दोगे राउंड होता चला जाएगा, जैसे एंगल बढ़ाते चले जाओगे इस तरीके से आपका कप यहां पे बनता चला जाएगा। इस तरीके से आप कप बना सकते हो, ठीक है। बट मान लो मेरे को तो मिलाना है बिल्कुल ही, तो मैं इसको क्लोज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इसको मिड में रखते हुए, और यहां पे हिंज फ्रॉम करूंगा यहां पे, और इसका पिक करके मैं ये बीच वाला कर दूंगा। अरे क्या हो गया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, हिंज फ्रॉम एज, तो वो दोनों हिंज को लेगा। एक मिनट, मैं हिंज फ्रॉम एज में, एक सेकेंड, ये मैं कम करता हूँ। अब ये देखो, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ऐसे करोगे तो आप इसको इतना पास ले जाके बाद में इनको ब्रिज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली एक को लो, हिंज फ्रॉम एज करो और इसको एंगल दो। जब आप बिल्कुल इसके पास पहुँच जाओ, बिल्कुल इसके पास कुछ इस तरीके से, तो आप फिनिश करो और कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों एज को सिलेक्ट कर लो, दोनों फेस को, और आप यहाँ पे ब्रिज कर दो, तो वो ब्रिज लगा देगा और इस तरीके से आपका यहाँ पे क्लोज कर देगा। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब कप आपने बना दिया, अब कप को अगर मेरे को स्मूथ करना है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है, एक मिनट अंडू करता हूँ मैं दोबारा से। सिलेक्ट किया, मान लो मैं यहाँ पे ये वाला करता हूँ, हिंज फ्रॉम एज पिक, और मैं पिक करता हूँ मान लो ये वाला। अब आपका इतना हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ओके अब सही आ रहा है। तो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ब्रिज कर दिया, ओके। अब किसी भी चीज़ को अगर आपको स्मूथ करना है तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है टर्बो स्मूथ। एक चीज़ याद रखो, टी प्रेस करो टर्बो स्मूथ, तो वो ऑब्जेक्ट आपका स्मूथ हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, टर्बो स्मूथ में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इटरेशंस, यहाँ पे वन है, इटरेशंस यहाँ पे वन है। इसको माउस से क्लिक करके बस ऐसे ड्रैग मत कर देना, इसको आप मैक्सिमम वन या दो रखो बस। ये क्या करता है, ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स को आपके डबल कर देता है।
अगर आपके नंबर ऑफ सेगमेंट डबल हो रहे हो और आपने चार पांच छह दस तक भी कर दिया ना, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, आपको सिंपल बंद करना पड़ेगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब आप इसे स्मूथ कर रहे हो बट कहीं कहीं पे आपको लगता है कि थोड़ी फिनिशिंग नहीं है अच्छे से, ये राउंड हो रहा बट मेरे को इतना राउंड नहीं चाहिए था, यहां से ये ठीक है देखो अच्छे से आ रहा है, ये पूरा इस तरीके से राउंड हो गया, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि मैं एडिट पॉली पर जाऊं, सबसे पहले मान लो मैं इसको पकड़ता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एज यहां पे लगा दूंगा, एक एज यहां पे लगा दूंगा, एक यहां पे लगा दूंगा, एक उधर की साइड लगा दूंगा। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूं, मैं बेसिकली इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको लूप कर दूंगा, और इसको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल प्रेस करके लूप कर दूंगा, और मैं इसको कर दूंगा अब यहां पे मान लो एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में मैं हाइट नहीं दूंगा, मैं सिंपल ये प्रोफाइल दूंगा, ये देखो ये वाला। तो अब आप देखोगे इसमें एक एज यहां पे आके लग गई और एक एज अंदर की तरफ वहां पे उस आके लग गई। इसको करने से क्या हुआ कि अगर मैं फिनिश करता हूं, अब मैं ट्रबल स्मूथ में जाता हूं, तो अब आपकी इसकी एजेस देखो स्मूथ है बट अच्छे से आ रही है जैसी मेरे को चाहिए थी। इसको करने का दूसरा तरीका क्या था, मान लो मैंने अंडू किया, दोबारा एडिट पॉली पे गया, मैं क्या करूंगा बेसिकली इसको सिलेक्ट करूंगा, रिंग करूंगा और यहां पे राइट क्लिक करके कनेक्ट करूंगा और दो सेगमेंट लूंगा यहां पे, और इन दोनों सेगमेंट के बीच में पिंच करूंगा और उसको यहां पे प्लेस करूंगा। फिर मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा तो मैं इसको भी यहां पे रिंग करूंगा और रिंग करने के बाद यहां पे भी कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करके मेरे को एक ही कनेक्शन चाहिए तो एक लूंगा और इसको स्लाइड करके मैं ऊपर की तरफ लेके आऊंगा। या तो इतनी मेहनत कर लो या फिर जो मैंने तरीका बताया सिंपल सा, इनको सिलेक्ट करो, इनकी जरूरत आगे पड़ेगी आपको, ये ऐसे ही नहीं बता रहा मैं आपको चीजें, जब आप एडवांस में मॉडलिंग करोगे ना तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर टर्बो स्मूथ पे जाके देखोगे तो आपको बिल्कुल स्मूथ दिखेगा यहाँ पे। अगर मेरे को सात सात चेंजेस चाहिए तो एडिट पॉली पे गया, जैसे मैं मान लो मैं नीचे कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैंने इसको एज को सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या कर दिया लूप, अब लूप में ये सिलेक्ट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको तो हो जाएगा मेरा इनसेट से काम। अब इंसर्ट कर रहा हूं और मैं कितना इंसर्ट करूं मैं देखना चाहता हूं इसके टर्बो स्मूथ के अकॉर्डिंग, तो मैं यहां पे कर दूंगा शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ टूगल। तो अब मैं जितना इसको बढ़ाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे देख सकते हो कि कितना स्मूथ मेरे को चाहिए, तो ये यहां पे इतनी स्मूथनेस आ जाएगी। दोबारा मैं एडिट पॉली पे जाऊंगा, ठीक है, शो ऑन ऑफ किया यहां पे, अब यहां पे मेरे को चाहिए, इसको सिलेक्ट किया, रिंग किया, राइट क्लिक किया, कनेक्ट किया, कनेक्ट करोगे मैं देखना चाहता हूं कितना मेरे को चाहिए, तो मैं इसको नीचे की तरफ स्लाइड करूंगा और यहाँ पे शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ टूगल। अब मैं यहाँ पे नीचे जाके देखूंगा कि मेरे को यहाँ पे कितनी स्मूथनेस चाहिए बेसिकली, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, फिनिश करो यहाँ पे जाओ, तो ये आपके इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे ही आप हैंडल पे कर सकते हो कि दोबारा एडिट पॉली ये हटाया, हैंडल भी मेरे को उस तरीके से चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूं? मैंने इसको सिलेक्ट किया या फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और लूप कर दूंगा, लूप में इतना सिलेक्ट हुआ, इसको भी सिलेक्ट करके लूप कर दूंगा और राइट क्लिक करूंगा और मैं कर दूंगा इसे बेसिकली एक्सट्रूड और सिर्फ दो साइड में वो लगा दूंगा इस तरीके से सेगमेंट। रिजल्ट देखोगे एंड का तो आप रिजल्ट देख सकते हो इसको करने से कितनी स्मूथनेस आपकी एज के अंदर आ रही है। फिनिश, तो इस तरीके से आप एक कप को डिजाइन कर सकते हो। अंदर नहीं हुआ, देखो अंदर कुछ इस तरीके से आ रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा जाओ एडिट पॉली पे, इसको ऑफ करो, इनको सिलेक्ट करो, रिंग को यहाँ पे कर दो, रिंग, रिंग होती राइट क्लिक और आप इसे कर दो कनेक्ट, कनेक्ट करोगे नीचे कितना चाहिए टर्बो स्मूथ देख सकते हो नीचे करके कि ये नीचे करो तो कितना आपको स्मूथनेस आए, ये आप यहाँ पे ऊपर नीचे करके देख सकते हो। बेसिकली ये तो हो गई यहाँ की, और दूसरी कौन सी देखनी है, नीचे वाली, नीचे वाले में तो आपको पता है सिलेक्ट करो, ये आया नहीं क्या, राइट क्लिक, इनसेट, एक इनसेट का प्रोफाइल दे सकते हो और कितना चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हो कि इतनी स्मूथ चाहिए, तो वो आपकी इस तरीके से स्मूथनेस आ जाएगी।